बॉलीवुड एक्टर दबंग खान यानी सलमान खान ने आज जोधपुर की कोर्ट में ये कहा कि उन्हें साल 1998 में उनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान काला हिरण शिकार के मामले में पूरी तरह से फंसाया गया है। सलमान ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि वो पूरी तरह से बेगुनाह है। जानकारी दे दे कि जोधपुर अदालत में सलमान के अलावा एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी पेश हुए। सलमान पर काले हिरन और चिंकारा का शिकार करने को लेकर पूरे 4 मामले दर्ज थे और 18 साल से वो इस केस को लड़ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो सलमान ने कोर्ट में ये कहा कि वन विभाग ने उनके खिलाफ झूठे गवाह तैयार किए थे और ऐसा इसलिए क्योंकि वो पब्लिसिटी चाहते थे। साथ ही सलमान ने ये भी कहा कि इस मामले में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। जिस दौरान ये सब हुआ उस रात वो सुरक्षा की वजह से अपने होटल से बाहर तक नहीं निकले। तो वहीं जब सलमान से ये पूछा गया कि उस वक्त कार कौन चला रहा था तो सलमान ने कहा कि वो ये बात नहीं जानते क्योंकि वो वहाँ थे ही नहीं। इसी के साथ कोर्ट ने सलमान से इस मामले पर 65 और सवाल किए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनी गुलाटी की रिपोर्ट।